यह है नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यह ट्रेन अहमदाबाद से तैयार है जाने के लिए मुंबई सेंट्रल। अगर इस ट्रेन की हम बात करें तो इस ट्रेन को चलाया जाना है गांधीनगर कैपिटल से सीधा सीधा मुंबई सेंट्रल के बीच में। यहाँ पायलट केबिन के अंदर हम मौजूद हैं। पायलट केबिन आप देखिए, ये पायलट केबिन जो पिछली वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है उससे सिमिलर है, उससे अलग नहीं है, लेकिन इसमें कई चीज़ें सुधारी गई हैं। जैसे पहले वाली ट्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं नीचे हवा आती रहती थी। जब यहाँ पर जो लोको पायलट बैठता है और ट्रेन चलाता है तो नीचे उसको हवा लगती थी, जाड़े के वक्त जो है दिक्कत रहती है, इन सब चीज़ों में जाड़े के वक्त दिक्कत पैदा होती है, लेकिन वो शिकायत दूर की गई। उसके बाद तमाम इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसका मीटर देखिए, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का इसमें मीटर दिया गया है। हालांकि ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ाई गई, और जो पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अगर हम उसकी बात करें तो वो भी 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई गई थी, और पलवल और आगरा के बीच में। तब उस ट्रायल के अंदर मैं मौजूद था जब ट्रेन 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ रही थी, उस समय मैं मौजूद था। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन कई मायनों में अलग है। पहली चीज़ अगर हम देखें तो पिछली वाली ट्रेन से ये हल्की ट्रेन है, यानी इसका वजन कम किया गया है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक और इसमें खासियत है कि 62 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अगर पानी आ जाता है तब भी ये ट्रेन चल सकती है। तो एक ये बड़ा सुधार किया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे सुधार हैं जो यात्री को सीधा सीधा अफेक्ट करेंगे। जैसे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आरामदायक कर दिया गया है, यानी जो चेयर कार है उसमें रिक्लाइनिंग सीट्स लगाई गई हैं, कलर स्कीम बदली गई है। बाहर से ट्रेन हूबहू वैसी लगती है जैसे पिछली ट्रेन है, लेकिन ये ट्रेन हम कह सकते हैं अंदर से थोड़ा बदलाव है, बैठने में आरामदायक है। साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव किया गया है। अब ये तीसरी ट्रेन हम कह सकते हैं गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में चलेगी। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरीके की 75 ट्रेनें 15 अगस्त 2023 तक ट्रैक पर उतारने का इरादा है, तो यात्रियों के लिए काफ़ी आरामदायक होगी निश्चित तौर पर। इस सफ़र में हम आपके साथ रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो पहला सफ़र है किस तरीके का है और किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा रहा है, किस तरीके का खान पान है और कैसी कैसी सुविधाएं रहेंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन अहमदाबाद। सारी सारी